गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आईटी स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और मैं सुशांत उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मॉर्निंग की क्लास में। और अभी मैंने आपको पाइथन की 50% क्लासेस जो है थियोरी की वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। थियोरी एक तरीके से कर सकते हैं कि प्रोग्रामिंग की। और इसके अलावा अभी मैंने ऑब्जेक्टिव्स किसी भी चैप्टर के नहीं बताए हैं। M2R5 यानी कि वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग में मैंने आपको HTML5 का लगभग सब क्लास दे दिया है। और CSS3 की क्लासेस अब मैंने शुरू की हैं, जिसमें मैंने आपको पैडिंग के बारे में बता दिया है। मार्जिन के बारे में आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बताना आपको। बॉर्डर, आउटलाइन, ये सब चीज़ें मैंने बता दिए हैं। इसके बाद CSS3 मार्जिन के बारे में देखते हैं। पैडिंग तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी डिव के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है उसकी टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट से जितनी जितनी डिस्टेंसेज होती हैं उसी को हम पैडिंग कहते हैं। ये HTML5 में भी मैंने आपको पढ़ाया था पैडिंग और मार्जिन। अब मार्जिन में क्या होता है कि जैसे दो डिव के बीच की जितनी दूरी होती है उसे मार्जिन कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस मार्जिन को कैसे लिखा जाता है CSS में, कैसे उस प्रॉपर्टी को लगाया जाता है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। मार्जिन को एक डायग्राम बना के मैंने लिखा है। एक डिव सपोज मान लीजिए ये है जिसमें कुछ टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है। अब दूसरा डिव इसके जस्ट नीचे है, तो एरो से जो डिस्टेंस हमको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये जो एरो है, इस एरो के थ्रू हमको जो डिस्टेंस दिख रही है दूसरे डिव से, उसी को CSS मार्जिन कहते हैं। और ये दूसरा डिव है जिसमें मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो डिव्स या दो से अधिक डिव्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे मार्जिन CSS3 में मार्जिन कहते हैं। और अब इसका मैं लिखने का तरीका आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मार्जिन टॉप को आपने 15 पिक्सल राइट कोई भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं, और अगर वो चारों ओर से लेनी हो तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। मार्जिन टॉप 15 पिक्सल, मार्जिन राइट 15 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल और मार्जिन लेफ्ट 15 पिक्सल लिया। तो इसका शॉर्ट हैंड होता है सिंपली मार्जिन कोलन 15px और सेमी कोलन फिर बंद करना ना भूलें। तो ये हो गया आपका मार्जिन सेम होने पर चारों ओर से उसका शॉर्ट हैंड। अब मान लीजिए कि चारों ओर से सेम मार्जिन आपको नहीं देना है डिव्स के बीच में, तब क्या करना है? तो पहले तो आपने मार्जिन टॉप दिया है 10px, मार्जिन राइट दिया है 15px, मार्जिन बॉटम दिया है 20px और मार्जिन लेफ्ट दिया है 25px। तो ये चारों से अलग अलग वैल्यूज आपने दिए, तो क्लॉक वाइज आप इसको शॉर्ट हैंड ऐसे लिख सकते हैं, मार्जिन कोलन 10px, 15px, 20px, 25px और सेमी कोलन। यानी कि इनके बीच में स्पेस दे सकते हैं आप, स्पेस दिया भी जाता है, दे नहीं सकते हैं बल्कि देना जरूरी है। और इस तरह से ये अलग अलग वैल्यूज़ के CSS3 मार्जिन शॉर्ट हैंड के लिए ये आपके शॉर्ट हैंड हो गए। इसके अलावा एक मैं आपको बता दूं CSS3 मार्जिन ऑटो, तो इसमें मार्जिन टॉप आपने 15 पिक्सल दिया और मार्जिन राइट ऑटो कर दिया, यानी राइट और लेफ्ट, फिर लेफ्ट में भी ऑटो कर दिया, यानी राइट और लेफ्ट से वेब पेज के वो आपको ऑटो में मिलेगा। और मार्जिन बॉटम जो है वो 15px है। तो इस तरीके से आप टॉप और बॉटम के मार्जिन को लिख सकते हैं। अब प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने आपको पहले मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इसकी कोडिंग देखिए मैंने की हुई डॉक टाइप HTML, ये HTML5 का डिक्लेरेशन है। अगर आपने ये नहीं दिया तो आपका जो भी ब्राउजर है वो इसे समझ नहीं पाएगा कि ये HTML5 का है या सिंपल HTML के किसी पुराने वर्जन का है। तो इसलिए डॉक टाइप HTML जरूर दीजिए अगर आप HTML5 में कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल बना रहे हैं। इसके बाद HTML टैग के अंदर हेड सेक्शन लगाया, स्टाइल टैग लगाया और दो आइडिया मैंने दो आईडीज को मैंने फर्स्ट और सेकंड नाम से दोनों डिव्स के अंदर लगाया, जो दोनों डिव मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, ये डिव्स और दूसरा डिव ये। तो फर्स्ट डिव में मैंने आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट लिया है, तो यहाँ हैश फर्स्ट करके उसकी CSS प्रॉपर्टी स्टाइल टैग के अंदर लिखा है। बॉर्डर शॉर्ट हैंड में 5px सॉलिड ब्लैक, यानी 5px मोटाई का सॉलिड यानी कंटिन्यूटी लाइन वाला ब्लैक कलर का बॉर्डर
बॉर्डर जो है वो उसमें हमको लग जाएगा, और मार्जिन जो है बॉटम से उसका वो 20 पिक्सल रहेगा फर्स्ट फर्स्ट वाले डिव का, और सेकंड वाले डिव का बॉर्डर जो है वो मैंने 2 पिक्सल दिया है और सॉलिड है। सॉलिड मतलब मैंने आपको बताया था 2 पिक्सल उसकी थिकनेस रहेगी, सॉलिड यानी कि वो लाइंस कंटिन्यू रहेंगी उसकी, और ग्रीन कलर का बॉर्डर रहेगा। फिर मार्जिन बॉटम इसमें मैंने 10 पिक्सल दिया है यानी 10 px, और सेमी कोलन लगा दिया। एक बात याद रखिएगा, जितनी भी आप स्टाइल टैग के अंदर मार्जिन की अरे CSS3 की प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं उनमें कंप्लीट होने के बाद सेमी कोलन लगाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो ये सब आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये सब छोटी छोटी गलतियां जो हैं आपको पेपर में बड़ा मिस्टेक कराने में दिक्कत करती हैं, बड़ा मिस्टेक करा देती हैं, और जिसकी वजह से आपके नंबर कम होते हैं या कटते हैं। फिर स्टाइल टैग को क्लोज किया, इसके बाद टाइटल टैग ओपन किया हेड सेक्शन में ही, और CSS मार्जिन मैंने उसमें टाइटल दिया, और स्लैश टाइटल टैग लगा के या ऑब्लिक टाइटल टैग लगा के मैंने उसे क्लोज कर दिया। फिर हेड सेक्शन को क्लोज किया, अब H1 यानी हेडिंग 1, ये सब मैंने आपको बता दिया लास्ट क्लासेस में। हेडिंग 1 क्या है, H1 जो है H1 से लेकर H6 तक वैल्यू होती है, और इसका नाम होता है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 जैसे, और ये एक कंटेनर टैग होता है। तो ये सब मैंने आपको बताया है कंटेनर टैग क्या होता है। हेडिंग 1 जो है वो सबसे बड़ी होती है, इसलिए मैंने H1 लिखा है हेडिंग 1 में, और इसमें कुछ मैंने प्रॉपर्टीज़ नहीं लगाई है CSS की। तो सिंपली सुशांत उपाध्याय हेडिंग 1 लेफ्ट साइड में, डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड में वो टाइप हो जाएगा हेडिंग के रूप में। इसके बाद डिव मैंने 2 लिए, डिव ID फर्स्ट में, डिव ID जो उसमें लिखा है, ID का नाम लिखा है, चॉइस किया फर्स्ट, तो हैज फर्स्ट करके मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी, और उसके अंदर डिव के अंदर मैंने एक डमी टेक्स्ट लिया हुआ है, और स्लैश डिव से उसको बंद कर दिया। फिर सेकेंड डिव ID में ID लिया मैंने सेकेंड, और उसमें मैंने लिख दिया हाय फ्रेंड्स IM सुशांत उपाध्याय, और स्लैश डिव लगा के उसको बंद कर दिया। इसके बाद बॉडी सेक्शन को क्लोज किया, स्लैश बॉडी टैग लगा के और स्लैश HTML करके उसे क्लोज किया। इस तरह से हमारी ये कोडिंग ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आपको मार्जिन का और जितने भी मैंने उस फाइल को आपको बताया है ओपन करके चेंजिंग करना आप कर सकते हैं, करके प्रैक्टिकल कीजिएगा नोटबुक प्लस प्लस या जो जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताए हैं, जैसे नोटबुक नोटपैड प्लस प्लस, सिंपल नोटपैड, या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, या VS कोड, इस पर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं कोडिंग का, और इस कोडिंग को आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपको जो चेंज करना है आप अपने से चेंज कर करके उसको देखिए, तो आपको प्रैक्टिस करने में धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाएंगे प्रैक्टिस करते करते, और साथ ही किसी भी टाइप की ID या डिव के अंदर ID लगाने में आप सक्षम हो जाएंगे, और CSS की प्रॉपर्टीज भी सीख जाएंगे। तो ये कोडिंग थी, अब इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले जो मैंने फाइल बनाई थी उसमें मैंने डिव में मार्जिन नहीं दिया था, तो जो दोनों डिव थे उनके बीच में मार्जिन 0 था, लेकिन अब जब मैंने नया डिव दो नए डिव के बीच मार्जिन लिख दिया, तो मार्जिन मैंने दिया था ऊपर वाले में 20 पिक्सल और नीचे वाले में 10 पिक्सल, तो उनमें 20 - 10 होकर 10 पिक्सल की आ गई। सपोज मैं देख लीजिए एक बार, आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कोडिंग में, अगर यहाँ भी मैं 20 पिक्सल ही रख देता तो क्या होता, वो कुछ बढ़ जाता जो उन दोनों के बीच का मार्जिन है। यहाँ पहले फाइल को सेव करना मत भूलिएगा, सेव, अब csc-margin.html के नाम से फाइल सेव हो गई है। देखिए अब इसको रिफ्रेश करते हैं, सॉरी एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि बॉटम से मैंने लिया है, इसको मैं टॉप से लूँगा, तो टॉप से मैंने ले लिया, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप से मैंने ले लिया, एंड
100 पिक्सल सपोज। अब इस फाइल को सेव करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। सेव किया और यहाँ से इसको मिनिमाइज किया। अब आउटपुट देखिए क्या मिलता है। देखिए डिस्टेंस बढ़ गई क्योंकि हमने मार्जिन जो है सेकेंड डिव का वो ऊपर से यानी टॉप से मैंने ले लिया 100 पिक्सल, तो दोनों डिव्स के बीच की दूरी भी बढ़ गई। तो ये आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। अब दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं और मिलेंगे CSS की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर दे दिया है जो कि है 7897254607 ITSkillsby सुशांत उपाध्याय। ये मेरे चैनल का नाम है। तो आप लोग प्लीज़ शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो थैंक्स। गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेप्टेम्बर एग्ज़ाम्स। थैंक्स दोस्तों।